we have you know stayed at so many hotels. Nobody serves you breakfast in odd time. अरे इंडियंस के नाम गिरी अकबर हिमांशु. गाइस वेलकम टू नूसा पनेगा. आई कैन लिटरली एक घंटा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने में लगा है. दैट इज लिटरली टू मच. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच. वन सेकेंड. वेरी ब्यूटीफुल बीच और लोग मुझे नीचे तक जाना है. लोग उस पॉइंट तक ये वाला पॉइंट दिख रहा है ये. मॉर्निंग. हाय. वेरी गुड गाइस. अभी भी बारिश हो रही है और ये सुबह के 6 बज रहे हैं. लिटरली हमें इतने सारे होटल्स में रहे हैं कभी ये सर्विस नहीं मिली कि 6 बजे हमें खाना सर्व करे. थैंक्स टू देम. टेल इट नाउ. से इट. एसी ब्यूटीफुल. थैंक यू एंड वेलकम टू अ न्यू डे. आज हमारा है नूसा पनेगा डे. हम जा रहे हैं सुबह सुबह 6 बज रहे हैं. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. मेरे घर वाले नहीं उठ सकते सुबह, ना मैं उठ सकती हूँ. और हमें सुबह के प्रोग्राम नहीं पसंद आते ऑनेस्टली. भाग भाग के अभी भी सोई सोई जगह लग रही है. भाग भाग के पड़े रेडी हुए, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट करो. टू मच ऑफ स्ट्रेस. और हम निकलने के लिए तैयार है. ऑन टाइम आ जाती है आपको पिक, आ जाते हैं आपको पिक करने के लिए. सो या लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर क्या रहता है, कैसा रहता है. बहुत हर कोई जो बाहर जाता है वो नूसा पनेगा तो जाता ही है. सो फॉर. और हाँ, एक चीज़ मैं क्लिप भी ऐड करूँगी इस चीज़ की, दैट आई वी हैव यू नो स्टेड एट सो मेनी होटल्स. Nobody serves you breakfast in odd timings. और इन्होंने literally हमारे लिए 6 बजे आकर हमारे विला में खाना बनाया है. So kudos to them. नहीं बाबा, मम्मी morning. Good morning. मम्मी आपको सुबह सुबह उठकर और तैयार होकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. इतने फेक मत बनो. भी गालियाँ दे रहे थे 2 मिनट पहले. चलो, यहाँ हमारी कैब आ चुकी है नूसा पनेगा के लिए. और ऑब्वियसली इसके बाद हम फेरी पे जाएंगे, बट यहाँ से होटल पिकअप. ओके, सी यू. ओ वाव, सनराइज. फॉर्मेलिटीज हो रही है यहाँ पे और हम ये कह रहे हैं सारे इंडियन से आए हैं. मेरी फेरी हो चुकी है बहुत लेट. यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं हम. क्या बात है, 2 शॉट गए हैं. पापा इतनी इजी बॉल रखी है ना कोई. इसमें क्या के? हाँ, ये मारो ये वाली. सारे इंडियंस के नाम गिरी अकबर हिमांशु. बता रहे हैं कि लोग इस हच में भी रहते हैं. ये नूसा पनेगा आ चुके हैं हम और यहाँ लोग हच में रहते हैं. लिटरली सिर्फ $20-30 पर डे का रूम है यहाँ पे. सो मे बी अगर आप एक दिन स्टे कर चले कैब. क्या बात है, उधर से हूँ मैं. अभी तक तो हमें ठीक
लग रहा है, सही है। मतलब देख लो ये इस व्यू के साथ हम खड़े हैं, गुड है मगर बस सही है। सो मे बी नथिंग वेरी वेरी स्पेशल, बट हाँ एक दिन के लिए आना सही है। वो अभी पीछे कैफेज है, अभी हमने नारियल पानी वगैरह पिया वहाँ पे, बढ़िया। और पापा पी रहे हैं अपनी बियर। चीयर्स। जब से आए बिन टैंक ही पिए जा रहे पागल की तरह। यहाँ की बढ़िया बढ़िया बियर है लेकिन गुड। दैट इज़ लिटरली टू मच एक कम्यूट करने के लिए। रास्ते इतने ज़्यादा कंजस्टेड हैं, ऑब्वियसली छोटी छोटी सड़कें हैं, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है अपने सामने, वेरी वेरी प्रिटी। ये मुझे पहले गाइज यहाँ से नीचे जा रहे हैं उस पॉइंट पे, अच्छी पिक्चर्स आएंगी। ब्रोकन बीच लुक्स डिलिशियस, बहुत प्यारा है ये वाला, बहुत प्यारा है, पहले वाले से तो कई गुना प्यारा है। चप्पल टूट गई है इसमें करके क्या नाम है, तो मे बी यू कैन कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर विद यू अगर बाई चांस। क्योंकि बहुत चढ़ाई और उबड़ खाबड़ है लिटरली। अभी हमारे सामने मम्मी की एक तो चप्पल टूट गई, हमारे सामने इतनी ज़ोर से एक बच्चा गिरा है अभी, एंड इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू कम हियर। आई जहाँ आ गए हैं दूसरे पॉइंट पे, और ये पापा अपने भी बताया कि ये ब्रोकन बीच कहते हैं, ये नेचुरल स्विमिंग पूल। यहाँ पे एक पार्ट था जो सारा गिर गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूल सा क्रिएट हो गया, गॉड्स प्लान। पर बहुत 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 प्रिटी है। हमारी हालत देख लो, पसीने में डूबे हुए हैं, चढ़ चढ़ के ऐसी जैसी हो गई है। डोंट फॉल फॉर इंस्टाग्राम। पसीने से भर गए हैं, देख लो परेशान हो चुके हैं। तो सिर्फ प्रिटी व्यूज वो नहीं है, हाँ थोड़ा स्ट्रगल भी है, तो उसके लिए रेडी रह सकते हो। यहाँ बियर वियर ले सकते हो, बढ़िया अपनी बिन टाइम पियो, मज़े करो, पर हाँ आ सकते हो एक दिन के लिए, यू कैन कम इफ बाय एनी चांस यू स्किप इट। आई थिंक देयर इज़ नो हार्म, छोड़ भी सकते हो। आई थिंक बोथ वेज इट्स फाइन, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ आर यू एज अ पर्सन, यू लव एक्सप्लोरिंग। ऐसे क्यूट क्यूट कैफेज हैं, अच्छे हैं, सॉफ्ट म्यूजिक है, पिज्जा स्नैक्स सैंडविच वगैरह सब कुछ है। मे बी यू कैन कम हेयर एंड ट्राई, एंड ऑफ कोर्स दे हैव रेस्ट रूम्स एज वेल, तो अ स्वीट सेटअप हेयर टू एंजॉय। पहले यहाँ पहुँच गए सब कुछ, लेकिन एक बार बेज देखने के गिर जाती हूँ मैं। हाँ एक बार बीच देखने के बाद सब वर्थ इट लगता है, बहुत 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 सुंदर बीच है। लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट क्लिप।
हम ट्राई करेंगे इंडोनेशियन फूड को ट्राई करते हैं। बाकी सब ठीक था, काम चला लो कोई बात नहीं। अब निकल चुके हैं, तो यहाँ जाम बहुत है भाई क्योंकि सिंगल रोड है ना, बहुत जाम है लेजिट। बट एनी विच वेज देखते हैं कहाँ जाते हैं। गर्मी से हालत हो चुके हैं, बाल बाल बांध लिए हैं, फ्री हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी, शाम को फिंस जाने का बहुत मन है, बट देखते हैं। बहुत थकावट, मतलब सुबह के उठे हुए तो थकावट से भी हो रही है, फिर पार्टी करने में मजा। थर्ड बीच फॉर द डे, और मैं इसके बाद पूरी जिंदगी के लिए आई एम डन विद बीचेस, लेजिट डन। मेरी हालत देखो मैं कैसे आई थी और कैसी हो चुकी हूँ। बट एनी वे लास्ट बीच है, होपिंग अच्छा हो। बीच जो इससे लास्ट वाला बीच था वो अच्छा था, और एक तो मैंने खाना पता नहीं बहुत ज़्यादा खा लिया था, मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे क्या चढ़ाई है, बट बहुत अच्छी हवा चल रही है फाइनली। बड़ी हवा चल रही है ना, बढ़िया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। वन सेकेंड वेरी ब्यूटीफुल बीच। और लोग, मुझे नीचे जाना है, पागलों की तरह लोग आए हुए इतने सारे, और इतने मंदिर हैं और सारे के सारे सुंदर हैं, और सबको गेट ऐसे ऐसा ही लगता है। लिटरली बाली में 1000 मंदिर हैं, विच इज टू मच। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से नीचे बीच में, क्रेजी। मुझे जाने का बहुत मन है, मुझे तो मैं पक्का जाती, बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा जीते। और हम कहाँ पे हैं, हम हैं यहाँ यहाँ पे। तो आधी जगह ऐसे लग रही है अमरनाथ की यात्रा पे हैं, लेजिट सीनरीज बहुत अच्छी है। लेकिन चढ़ाई देख लो भाई, मेहनत तो है घूमने में गाइस, ऐसा नहीं है कि वी डोंट स्ट्रगल, वी डू, बट वी लव द स्ट्रगल। चलो इस बीच से निकल चुके हैं, बट जाम देख लो एक बार ही, क्या ही आतंक है, लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक स्लो है यहाँ पे। यहाँ पे खत्म होता हमारा यूसुफ पे नेटा खत्म। बढ़िया फन था, गर्मी बहुत थी, बट अदर देन दैट गुड ट्रिप। सेइंग बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल आइलैंड, बट बहुत गर्मी है, बस एक बीट ही थी, बाकी सब बढ़िया। लिटरली यहाँ सारे इंडियन है, सारे के सारे, मैं बोलते पूरी फेरी सिर्फ इंडियंस की है। आई डोंट नो इफ इट्स अ ड्रॉबैक और अ नाइस थिंग, बट व्हाटएवर, डिसाइड फॉर। 3:45 हो रहे हैं, बोलते कि 4 बजे फेरी आ जाएगी, बट सुबह भी बहुत डिले हुआ था। ये थोड़ी सी इशूज़ थी कि फेरी डिले थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर एनी विच वेज वो मेरी हालत से आपको ऑलरेडी पता लग रहा होगा, तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। गुड पार्ट वॉज एक्चुअली में बीचेस काफ़ी अच्छे थे, अमेजिंग थे, और एक्सपीरियंस एक दिन के लिए आना चाहो अगर बाली आते हो तो आ सकते हो। गाइस मस्त अपना सोया है, 2-3 घंटे आराम से आने के बाद इतना हेक्टिक हो गया था नूसा बिन आज, लेकिन लिटरली मैं लास्ट में रिकॉर्ड भी नहीं कर हुआ, मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो गया था, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था जेन्युइनली। और मैंने सोचा था आके क्लब जाएंगे, फिंस जाएंगे, करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ, इतने थक गए थे लिटरली, चक्कर आए थे आके, सब थोड़ी दूर से हो गए। मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, सब कुछ किया, अब आई गेस 11 बज रहे हैं, अब निकल रहे हैं, डिनर विनर करेंगे, किसी क्लब जाने का मन करेगा तो जाएंगे ऑफकोर्स। एंड दैट्स इट। अब मैंने कल सैटरडे संडे, कल वीकेंड है, कल मैंने मेजर रखा है कि मैं सिर्फ क्लबिंग करने वाली हूँ, मुझे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे कुछ कवर नहीं करने, हो चुके जितने होने थे। सो कल विल गो क्लबिंग एंड क्लबिंग एंड क्लबिंग। गाइस दिस क्लब इन बाली इज फॉर LGBTQ कम्युनिटी, यहाँ बहुत सारे लोग वैसे नहीं आते हैं। गाइस वी केम टू दिस इंडियन रेस्टोरेंट, और यहाँ बढ़िया लाइव सिंगिंग चल रही है। सारा
कहाँ जाना है गाइस। फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला हमें खाने के लिए इटालियन में, डन एंड डस्टेड ऑल रेडी, बिचेस नहीं वेट कर सकते थे खाने की, नहीं नहीं मतलब शूट करने की। सो डन एंड डस्टेड विद दिस वन, सही था, बढ़िया था पिज्जा। अब जाके सोएंगे रेस्ट करेंगे, मतलब बाय द पूल बैठेंगे, बाय द पूल बैठेंगे, जैसे हो रहा है वो मैक्स। और कल मिलते हैं, भाई का बर्थडे मन शुरू हो चुका है, फर्स्ट जुलाई हो चुका है, तो कल करते हैं सेलिब्रेट। ओके, सी यू टुमारो।